दोस्तों आज हम करेंगे इन्फिनिक्स नोट 7 एंड ओप्पो A53 का कंपैरिजन। दोस्तों इन्फिनिक्स ने फर्स्ट टाइम इतने बेटर स्पेक्स एंड इतने बेटर लुक वाला स्मार्टफोन यहां पर मार्केट में लॉन्च किया है। एंड दोस्तों ओप्पो A53 में भी हमें काफी ज्यादा एडवांस फीचर्स देखने को मिल जाते हैं जो हमें इन्फिनिक्स नोट 7 में देखने को नहीं मिलते हैं। और दोस्तों देखते हैं कौन सा स्मार्टफोन होने वाला है यहाँ पर आपके लिए सबसे बेस्ट, कौन सा स्मार्टफोन आपको परचेज करना चाहिए। दोस्तों वीडियो एंड तक जरूर देखिए, कोई भी वीडियो का पार्ट मिस मत कीजिए। और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं काकुटेक हिंदी यूट्यूब चैनल। दोस्तों यहाँ पर हम सबसे पहले दोनों स्मार्टफोन्स के लुक एंड डिजाइन की बात कर लेते हैं। लुक एंड डिजाइन दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, दोनों स्मार्टफोन्स में आपको बैक में प्लास्टिक बैक देखने को मिल जाता है एंड दोनों स्मार्टफोन्स आपको बैक से बिल्कुल ग्रेडियंट लुक देंगे। दोस्तों इन्फिनिक्स नोट 7 में हमें बैक में क्वाड कैमरा सेटअप एंड क्वाड LED फ्लैश देखने को मिल जाती है एंड ओप्पो A53 में हमें ट्रिपल कैमरा सेटअप एंड सिंगल LED फ्लैश देखने को मिल जाएगी। दोस्तों फ्रंट साइड की अगर हम बात करते हैं, दोनों स्मार्टफोन्स में आपको जो डिस्प्ले है वो पंच और डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। दोस्तों दोनों स्मार्टफोन्स में जो हमें कैमरा है वो डिस्प्ले के कॉर्नर में देखने को मिलेगा। एंड दोस्तों यहाँ पर आप कैमरा डिजाइन देख सकते हैं, इन्फिनिक्स नोट 7 में हमें थोड़ा सा अलग देखने को मिल जाता है जो हमें पंचोल आप देख सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल हमें एक अलग सा डिजाइन देखने को मिलता है पंचोल का। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों स्मार्टफोन जो डिस्प्ले में काफ़ी ब्राइट दोनों स्मार्टफोन्स की डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। दोस्तों ये था कुछ ओवरऑल डिजाइन दोनों स्मार्टफोन्स का। यहाँ पर दोस्तों दोनों स्मार्टफोन्स हमें बैक से बिल्कुल एक ग्लास फिनिश लुक देखते हैं। यहाँ पर आपको दोस्तों दोनों सा स्मार्टफोन लुक में पसंद है वो आप परचेज कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं हम दोनों स्मार्टफोन्स की डिस्प्ले से। डिस्प्ले जैसे कि मैंने आपको बताया दोस्तों, दोनों स्मार्टफोन्स में आपको HD+ रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। जहाँ पर दोस्तों में डिस्प्ले साइज है इन्फिनिक्स नोट 7 में 6.95 एंड ओप्पो A53 में 6.5 इंच का जो हमें स्क्रीन साइज देखने को मिल जाता है। दोस्तों जो एक खास बात है ओप्पो A53 में, यहाँ पर दोस्तों जो आपको स्क्रीन रिफ्रेश रेट है ये दोस्तों आप 90Hz का आपको यहाँ पर स्क्रीन रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है। जैसे कि दोस्तों आप सेटिंग्स में आके यहाँ पर आप स्क्रीन रिफ्रेश रेट को सेट कर सकते हैं 90Hz पर। एंड अगर आप जो डिस्प्ले स्मूथनेस अगर आप देखेंगे जो स्पीड हमें यहाँ पर काफ़ी अल्टीमेट देखने को मिल जाती है। दोस्तों जो 90Hz है जो डिस्प्ले को काफ़ी बेटर बना देती है यहाँ पर ओप्पो A53 की। दोस्तों मैं यहाँ पर कह सकती हूँ जो डिस्प्ले में हमारा क्लियरली विनर है ओप्पो A53। एंड दोस्तों ओप्पो A53 आपको काफ़ी एंडी साइज यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा एंड इन्फिनिक्स नोट 7 आपको थोड़ा सा जो बड़ा साइज देखने को मिलेगा जो कि दोस्तों लगभग 7 इंच है। और दोस्तों 7 इंच का फ़ोन हमें हैंडलिंग में काफ़ी प्रॉब्लम देता है एंड दोस्तों 6.5 इंच का जो फ़ोन हमें हैंडलिंग में काफ़ी बेस्ट अगर आप हैंडल कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम डिस्प्ले में क्लियरली विनर कह सकते हैं ओप्पो A53 को। दोस्तों अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन्स के बैक कैमरा सेटअप से। दोस्तों इन्फिनिक्स नोट 7 में मेन कैमरा 48MP 2MP मैक्रो 2MP डेप्थ एंड 2MP हमें डेडिकेटेड वीडियो कैमरा देखने को मिल जाता है। एंड दोस्तों फ्रंट में यहाँ पर हमें 16MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। दोस्तों यहाँ पर आपको बहुत सारे कैमरा फीचर्स देखने को मिल जाएंगे, AI कैमरा, वीडियो, शॉर्ट वीडियो, स्लो मोशन, ब्यूटी मोड, बोके, सुपर नाइट मोड। एंड दोस्तों अगर आप यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों आप FHD वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं जैसा कि आप वीडियो में देख भी सकते हैं। दोस्तों ओप्पो A53 में आपको बैक में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप, मेन कैमरा 13MP, 2MP मैक्रो, 2MP डेप्थ एंड यहाँ पर आपको फ्रंट कैमरा 16MP का देखने को मिल जाता है। दोस्तों अगर हम यहाँ पर कैमरा फीचर्स की बात करते हैं तो यहाँ पर आप बहुत सारे कैमरा फीचर्स यूज कर सकते हैं जैसे कि वीडियो, पोर्ट्रेट, मोर में अगर आप यहाँ पर आते हैं एक्सपर्ट, मैक्रो, स्टिकर्स, पनोरमा। एंड अगर आप वीडियो शूटिंग अगर आप बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर दोस्तों जो आप वीडियो शूट है 1080p पे भी यहाँ पर वीडियो शूट कर सकते हैं। दोस्तों अगर हम यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन्स का कैमरा कंपैरिजन करते हैं तो मैंने यहाँ पर कुछ कैमरा शॉट्स लिए हैं जिससे कि आपको पता चल जाए कौन से स्मार्टफोन का कैमरा होने वाला है यहाँ पर आपके लिए सबसे बेस्ट। दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने दोनों स्मार्टफोन्स के मैक्रो लेंस के साथ फोटो कैप्चर की है एंड जो मैक्रो लेंस हमें दोनों स्मार्टफोन्स में 2 मेगापिक्सल देखने को मिल जाता है। एंड दोस्तों जो क्लियरिटी हमें यहाँ पर बिल्कुल सेम क्लियरिटी देखने को मिलती है। दोस्तों ये मैंने दोनों स्मार्टफोन साथ 5x के साथ कैप्चर किए हैं एंड दोस्तों यहाँ पर आपको क्लियरिटी है बेटर देखने को मिलेगी ओप्पो A53 में, मगर दोस्तों जो आपको कलर्स है वो बेटर देखने को मिल जाएंगे इन्फिनिक्स नोट 7 में। दोस्तों ये जो फोटो मैंने मेन कैमरा के साथ दोनों स्मार्टफोन साथ कैप्चर किए है अगर यहाँ पर हम जूम करके देखते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आपको जो क्लियरिटी थोड़ी सी बेटर देखने को मिल जाती है ओप्पो A53 में। ओवरऑल दोस्तों हमें क्लियरिटी लगभग सेम ही देखने को मिलती है जैसे कि आप दोस्तों वीडियो में देख सकते हैं। अगर हम यहाँ पर टोटली जूम करते हैं तो हमें यहाँ पर क्लियरली यहाँ पर आप देख सकते हैं ओप्पो A53 में। दोस्तों ये था कुछ ओवरऑल कैमरा दोनों स्मार्टफोन्स का। यहाँ पर दोस्तों हमें जो मेन कैमरा है बेटर देखने को मिल जाता है ओप्पो A53 में एंड जो कलर्स हैं वो हमें आफ्टर फोटो कैप्चरिंग वो हमें बेटर देखने को मिल जाते हैं इन्फिनिक्स नोट 7 में। दोस्तों अगर हम बात करते हैं यहाँ पर यूजर एक्सपीरियंस की, यहाँ पर दोस्तों दोनों स्मार्टफोन्स में आपको एंड्रॉइड 10 देखने को मिल जाएगा। जहाँ पर दोस्तों में इन्फिनिक्स नोट 7 में XOS वर्जन 6.1.0 देखने को मिलेगा जैसे कि आप दोस्तों वीडियो में देख भी सकते हैं। एंड दोस्तों अगर हम बात करते हैं ओप्पो A53 की, यहाँ पर दोस्तों आपको यूजर एक्सपीरियंस है काफ़ी बेटर होने वाला है। यहाँ पर आपको एंड्रॉइड 10 देखने को मिल जाता है
यहाँ पर दोस्तों जो कलर ओएस वर्जन है 7.2 देखने को मिलता है, जो कि दोस्तों लेटेस्ट है। दोस्तों हम यहाँ पर कह सकते हैं जो कि अगर आप यूज़ करते हैं अपने स्मार्टफोन तो यहाँ पर काफ़ी बेटर एक्सपीरियंस होने वाला है ओप्पो A53 का, बिकॉज यहाँ पर दोस्तों जो आपको ओएस है वो काफ़ी बेटर ओएस देखने को मिल जाता है, एंड यहाँ पर आपको चलाने में भी आसानी होगी जो अपने स्मार्टफोन को ओप्पो A53 में। दोस्तों अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस से। दोस्तों इन्फिनिक्स नोट 7 में काफ़ी बेटर प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, यहाँ पर आपको मीडियाटेक G70 12 नैनोमीटर का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है दोस्तों, जो कि हमारा क्लॉक से फिर 2 GHz पे वर्क करता है। दोस्तों यहाँ पर आपको गेमिंग काफ़ी अच्छी यहाँ पर आप कर सकते हैं। दोस्तों ओप्पो A53 में आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 460 प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो कि दोस्तों हमारा ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, 11 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। दोस्तों अगर आप गेमिंग करते हो तो यहाँ पर भी आपको काफ़ी बेटर एक्सपीरियंस होने वाला है। अगर हम दोस्तों दोनों स्मार्टफोन के प्रोसेसर को कंपेयर करते हैं तो हमें लगभग दोनों स्मार्टफोन का प्रोसेसर सेम देखने को मिलता है। दोस्तों हम बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन की रैम रोम एंड प्राइजिंग की। इन्फिनिक्स नोट 7 में दोस्तों एक ही वेरियंट देखने को मिलता है 464 जिसकी प्राइजिंग है 11,500, एंड ओप्पो A53 अगर हम 464 वेरिएंट की बात करते हैं तो वो हमें देखने को मिल जाता है 13,000 का। यहाँ पर दोस्तों ओप्पो A53 में हमें एक और वेरिएंट देखने को मिल जाता है 6128 जिसकी प्राइजिंग है 15490 लगभग 15,500। दोस्तों अगर हम बैटरी एंड चार्जिंग की बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन्स में दोस्तों आपको 5000 mAh बैटरी देखने को मिल जाती है, एंड दोस्तों अगर आप यहाँ पर देखेंगे ओप्पो A53 में आपको टाइप सी चार्जिंग पोर्ट एंड इन्फिनिक्स नोट 7 में आपको माइक्रो USB चार्जिंग पोर्ट देखने को मिलेगा। दोस्तों हमें यहाँ पर और ज़्यादा इनहेंस फीचर मिल जाते हैं ओप्पो A53 में। यहाँ पर दोस्तों आपको जो ड्यूअल स्पीकर्स देखने को मिल जाते हैं, अगर आप यहाँ पर गेम वगैरह अगर आप वीडियो प्ले करते हैं तो आपके दोनों स्पीकर से एक ही टाइम पे वर्क करेंगे। अभी मेरे पास इसमें वीडियो नहीं है, मैं आपको प्ले करके दिखा देता, अदरवाइज आप किसी भी मोबाइल शॉप पर जाकर दोनों ही मोबाइल्स को टेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों ये था कुछ ओवरऑल कंपैरिजन जहाँ पर हमें दोस्तों इन्फिनिक्स नोट 7 में यहाँ पर प्राइस काफ़ी बेटर देखने को मिल जाता है, मगर दोस्तों ओप्पो A53 में हमें दोस्तों ड्यूअल स्पीकर्स देखने को मिल जाते हैं, टाइप सी चार्जिंग पोर्ट देखने को मिल जाता है, एंड दोस्तों 90Hz का दोस्तों यहाँ पर रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है स्क्रीन का। दोस्तों आप नो डाउट आप यहाँ पर ओप्पो A53 अगर आप 13,000 का बजट है तो परचेज कर सकते हैं, अगर आपका बजट ही अंडर 12,000 है तो आप इन्फिनिक्स नोट 7 परचेज कर सकते हैं। दोस्तों ये था कुछ ओवरऑल कंपैरिजन, होप कि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगा, तो जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।